Hello my dear children, I am Firdaus Rahman from HR Imperial Public School. So again I am here to teach you your subject English. So in previous class I have explained you word meaning and explanation of this chapter and today I am going to explain question answer of this chapter. So now we are covering unit 6 first chapter which is Poem Trains. Ok so let's start. हेयर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज वेयर डू द ट्रेन्स रन वॉट इज़ द क्वेश्चन हेयर वेयर डू द ट्रेन्स रन जो ट्रेन चलती है ना जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं वो कहाँ पर चलती हैं सो द आंसर इज ट्रेन्स रन ऑन द माउंटेन्स प्लेन्स रिवर्स ई टी सी तो जो पोएम बताया गया है कि जो ट्रेन है वो कहाँ कहाँ चलती है वो माउंटेन पर चलती है प्लेन पर चलती है रिवर पे चलती है ओके क्वेश्चन नंबर टू वट आर द प्रीसीस लोड्स डैट दे कैरी तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लोड्स यानी कि जो सामान जो वजन जो ट्रेन अपने ट्रेन अपने में लेके जाती है है ना वो क्या क्या होता है वो क्या होता है प्रीसीियस होता है बहुत ही कीमती होता है क्योंकि किसी का कुछ भी हो सकता है वो किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो लेके जाती है ट्रेन द प्रीसियस लोड्स डेट द कैरी आर पैसेंजर्स मेल्स एंड अदर लोड्स तो वो क्या क्या लेके जाती है जो कि प्रीसियस होता है पैसेंजर्स यानी कि हम यात्री जो हम जब हम ट्रेन पे या किसी गाड़ी पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं पैसेंजर कहलाते हैं है ना तो पैसेंजर को लेके जाती है वो तो पैसेंजर्स को लेके जाती है वो मेल्स को लेके जाती है ना जो भी हमारे मेल्स होते हैं उसे उन्हें लेके जाती है तो ये सब जो तो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है बहुत ही प्रीसीियस होती हैं इसीलिए हम इन्हें प्रीसीियस लोड्स कहते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड सो द थर्ड क्वेश्चन इज़ वन डू द ट्रेन्स रन क्या कह रहा है कि जो ट्रेन्स है जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं वो कब चलती हैं है ना सो द आंसर इज़ ट्रेन्स रन डे एंड नाइट फ्राम डस्ट टू नाउ तो जो ट्रेन्स जो रेलगाड़ियाँ हैं वो दिन में भी रात में भी शाम में भी है ना सुबह में भी वो हर टाइम जो रेलगाड़ी है वो चलती ही रहती है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर सो योर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डस्क एंड डाउन तो डस्क हम किसे कहते हैं और डाउन हम किसे कहते हैं सो द आंसर इज़ डस्क इज़ द टाइम ऑफ सन रेज एंड डाउन इज़ द टाइम ऑफ सनसेट तो जो डस्क है वो सूरज निकलने से पहले का टाइम होता है और जो डाउन है वो सूरज जस्ट डूबने के बाद का टाइम होता है यानी कि जब अंधेरा शुरू होने वाला होता है यानी कि जो शाम होती है उसे ही हम क्या कहते हैं डाउन कहते हैं ओके सो अगेन आई एम गोइंग टू रीड आउट योर क्वेश्चन आंसर सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेर डू द ट्रेन्स रन सो योर आंसर इज ट्रेन्स रन ऑन माउंटेन्स प्लेन्स रिवर्स ई टी सी क्वेश्चन नंबर टू वाट आर द प्रीसियस लोड्स डैट दे कैरी So, the answer is the precious loads that they carry are passengers, mails, and other loads. Okay. Now, question number third When do the trains run? So, the answer is trains run day and night from dusk to down. Now, question number four What is dusk and down? So, the answer is dusk is the time of sunrise and down is the time of sunset. Okay. Got it? So, your question answer, which is completed now. Now, your homework. So, your homework is first you have to write down these questions and answers in your English notebook, and after writing it, you have to remember. So, it is compulsory for everyone to complete your homework. Okay?